Good morning, everyone. I am Shivani, and welcome to Ananth English 007. That is my channel's theme. Those who are new on this channel, I need to let them know that this channel is all about spoken English and general studies or general knowledge, because it is my personal opinion that if you really want to speak polished English or very good English, in that situation, you're supposed to practice your GK or you need to learn different vocabulary every day. And newspaper is one of the sources, I believe. Although I refer books as well, but newspaper is the utmost common method through which you can learn different vocabulary and of course types of sentences, and you can upgrade your knowledge as well. So let's begin for today. सो ये जो आर्टिकल है ये बिहार से है. अभी पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, विंटर सेशन. सो उसके लिए उसमें इस मुद्दे को उठाया गया है. सो आई थॉट व्हाई डोंट वी कैन डिस्कस दैट. सो ये हूच एक जगह है बिहार में, राइट. सो द हेडलाइन पढ़ते हैं पहले. हूच ट्रेजेडी की जो त्रासदी, ट्रेजेडी का मतलब होता है त्रासदी, क्लेम्स ने दावा किया सेवरल लाइव्स, बहुत सारी जिंदगियों पे इन ड्राई बिहार. ड्राई का मतलब सूखा, ड्राई बिहार. और ड्राई एक दूसरे सेंस में भी यहाँ यूज हो रहा है. तो दो एस्पेक्ट है. वैसे ड्राई का मतलब होता है सूखा और लाइव्स मतलब जिंदगियां ली. लाइक क्लेम्स का मतलब दावा करने का, मतलब ले ली, राइट. सो क्लेम सेवरल लाइव्स इन ड्राई बिहार. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो अभी इसका सब टाइटल, सब हेडिंग ये है कि ऑफिशियल्स पुट, जो जो सरकारी व्यक्ति हैं, जो लोग हैं जो काम करने, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स उन्हीं को बोलते हैं, पुट डेथ टोल, जो मृत्यु के टोल का मतलब टोल मतलब नंबर्स. ओके, टोल एट सिक्स, उन्होंने बोला है कि छह लोगों की मृत्यु हुई है. व्हाइल विलेजर्स से, जो गांव के लोग हैं वो बोलते हैं एटलीस्ट 20 लोग मर चुके हैं, हैव डाइड, मर चुके हैं. सेवरल ऑफ द विक्टिम्स, बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं जो पीड़ित हैं, लॉस्ट आई साइट, उन्होंने अपनी आई साइट खो दी है या अपनी विजन को, जो दृष्टि है उसको खो दिया है. वाइल अदर्स, जो जबकि जो दूसरे हैं, आर बैटलिंग फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं. फैमिली मेंबर्स ब्लॉक हाईवे इन प्रोटेस्ट, थ्री हेल्ड. तो जो फैमिली, जो परिवार के, जो परिवारजन थे उन सभी व्यक्तियों के, जो विक्टिम्स हैं, उन्होंने हाईवे को ब्लॉक किया प्रोटेस्ट करने के लिए और वहां पे उन्होंने धरना दिया और उसमें तीन पकड़े गए. होल्ड हेल्ड हेल्ड, तीन पकड़े गए, राइट. सो ये इनका जो है सब हेडिंग है इस आर्टिकल की. और क्या हुआ ऐसा, इस आर्टिकल से हम समझते हैं ऐसा क्या हुआ जितने लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई और अभी भी लोग लड़ रहे हैं. लेट्स फिगर दिस आउट. सो सबसे पहले, सिक्स विलेजर्स हैव डाइड, छह गांव वाले मर चुके हैं इन अ सस्पेक्टेड हूच ट्रेजेडी इन सरन डिस्ट्रिक्ट इन ड्राई बिहार. सस्पेक्ट का मतलब होता है क्वेश्चन, राइट. किसी के लिए, किसी के ऊपर क्वेश्चन लगाना, पता नहीं चल पाया है अभी कि क्या हुआ है, सस्पेक्ट करना. सो सिक्स विलेजर्स हैव डाइड इन अ सस्पेक्टेड हूज ट्रेजेडी इन सरन डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. जो बिहार की सरन डिस्ट्रिक्ट है उसमें ऐसी एक घटना घटी है और पता नहीं चल पाया है कि क्या हुआ है उस जगह, और अभी इतने लोग वहां पे मर चुके हैं, राइट. सो सस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को, मतलब सच निकलवाना, कुछ पक्का नहीं है, कुछ अशुभ हुआ है उसमें से भी निकला नहीं है, संदेह है कि क्या चीज हुई है. सस्पेक्ट का मतलब एक वर्ड हमको यहाँ मिल गया, दैट इज सस्पेक्ट. यहाँ लिख देते हैं इसको, संदेह प्रकट करना, ठीक है. अभी घटना का जो डिस्कशन चल रहा है, अभी पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ है, सो इन्होंने इसको वर्ड यूज किया है सस्पेक्ट, ठीक है. नाउ बिहार में हुआ, दिस डिस्ट्रिक्ट, जो ये डिस्ट्रिक्ट, जो जिला है, उसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन, सेड, उन्होंने कहा, ऑन उन्होंने वेंसडे को या बुधवार को कहा, हाँ बुधवार को ये चीज कही, ये पूरी चीज उन्होंने कही, ठीक है. हाउएवर, जबकि विलेजर्स टोल्ड मीडिया पर्सन, जो गांव के लोग हैं उन्होंने जो मीडिया के लोगों को बताया, दैट एटलीस्ट 20 पीपल हैव डाइड इन सेवरल विलेजेस, कि बहुत सेवरल, कई सारे गाँव में 20 लोग मर चुके हैं, एटलीस्ट 20, मतलब इतने तो मिनिमम है, इसे ऊपर भी हो सकते हैं. अब डबल पोस्ट्रोफी में ये स्टेटमेंट है, थ्री पीपल हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी, तीन लोग कस्टडी में या फिर हिरासत में लिए जा चुके हैं. कस्टडी का मतलब हुआ हिरासत, ओके. ये किसने कहा, प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर सुनील कुमार, ये एक मंत्रालय है, उसके जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, उन्होंने ये बात बोली है, ठीक है.
नाउ प्रोहिबिशन मतलब रोकना, एक्साइज आपको पता ही है, एक्साइज एक शब्द है जिसमें आप जो है बनी हुई चीजों पे टैक्स लगाते हैं, उसे एक्साइज कहते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण, उस मिनिस्टर मतलब मंत्रालय जो सुनील कुमार जी हैं उन्होंने ये बात बोली। फैमिली मेंबर्स टोल्ड मीडिया पर्सन, जो परिवार के लोग हैं, टोल्ड यहाँ पे यूज हुआ है, टेल टोल्ड टोल्ड राइट सेकेंड फॉर्म, मीडिया पर्सन दैट विक्टिम हैड गॉन, बहुत सारी ग्रामर लैंग्वेज यहाँ पे मिल रही है आज हमें, द विक्टिम्स हैड गॉन, जो जो पीड़ित व्यक्ति थे वो गए थे टू द डोईला विलेज मार्केट, डोईला गांव है उसकी बाजार में गए थे, अंडर द ईशुआपुर ब्लॉक इन छपरा छपरा ऑन मंडे नाइट एंड कंज्यूम्ड लिकर। वहां उन्होंने उन्होंने मदरा या लिकर या दारू आप कह सकते हो, लिकर लिया था उन्होंने वहां पर। और मंडे नाइट को वहां एक गांव है उसके गांव में बाजार में गए, छपरा जो जगह बता रहे हैं वहां पे ऐसा उन्होंने लिकर लिया। देयर कंडीशन, उनकी जो स्थिति थी वो खराब हो गई। एक वर्ड है डिटीरियरेट, तो वर्ड इज डिटीरियरेट। अब यहाँ पे ईडी लग गया है, मतलब सेकेंड फॉर्म आ गई है, हो गई खराब हो गई, मतलब लेकर उन्होंने कंज्यूम किया और उनकी तबियत खराब हो गई, खराब हो गई स्थिति। ऑन ट्यूजडे, कब हुई, ट्यूजडे को, मंडे को लिया ट्यूजडे को हो गया। एंड फाइव ऑफ देम डाइड द सेम नाइट, उनमें से पांच लोग सेम रात को ही, उसी दिन की रात को उनकी मृत्यु हो गई, वाइल जबकि अदर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। वाइल का मतलब उसी समय उसी सिचुएशन के चलते चलते, वाइल अदर्स लॉस देयर लाइव्स, जो भी अदर लोग दूसरे लोग हैं उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी बुधवार की सुबह। ठीक है, ये घटना मतलब ये लिकर, ये नकली शराब की जो घटना है, त्रासदी हुई है, ऐसा हुआ है, इसको पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है। सेड अ फैमिली मेंबर, एक एक परिवार जन ने बोला, फैमिली के व्यक्ति ने बोला, ऑफ वन ऑफ द डिसीज, डिसीज तीसरा वर्ड मिल गया, डिसीज का मतलब होता है दिवंगत। ठीक है, दिवंगत। आइरेट फैमिली मेंबर्स, आइरेट का मतलब जो जो गुस्सा होके परेशान, जो परेशान हो करके, फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज ब्लॉक द स्टेट हाईवे इन छपरा एंड डिस्ट्रप्टेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, उन्होंने हाईवे को ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद डिस्ट्रप्टेड का मतलब होता है विघटन या विघ्न पैदा कर देना, तो डिस्ट्रप्ट, मैं सारे वर्ड्स यहाँ लिख रही हूँ आज, डिस्टर्ब, डिस्टर्बेड, फिर अगर सेकेंड फॉर्म और सेकेंड थर्ड दोनों फॉर्म सेम होंगी, तो उन्होंने जो रास्ते हाईवे को रोक दिया और सारे जो ट्रैफिक को था जो भी उसको उस पर विघ्न पैदा कर दिया। दे बर्न टायर्स एंड शाउटेड स्लोगन्स अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने टायर जला दिए, जो पहिए थे उनको जला दिया, और जो जिला जिला प्रशासन था उसके अगेंस्ट स्लोगन्स नारे लगाने लग गए। द वर्ड इज स्लोगन। ठीक है, डिमांडिंग, मांग रहे थे क्या, कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। कॉम्पनसेशन फॉर किन, किन मतलब रिलेटिव्स, फॉर द किन ऑफ हूज ट्रेजेडी विक्टिम्स, किन तो वर्ड इज किन, किन का मतलब हुआ जो उनके परिवार जन थे उसके लिए वो कॉम्पनसेशन क्षतिपूर्ति मांगने लग गए जो त्रासदी हुई हूज में। दे ऑल्सो डिमांडेड, वो ये भी मांग रहे थे कि आप एक्शन मतलब लीजिए, कोई स्टेप उठाइए, कोई कार्य करिए जो उनके अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट जिन्होंने, दोज इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट, जो इस घटना में शामिल है उनके अगेंस्ट आप स्टेप लीजिए। द डेथ टोल विल इंक्रीज, विल पक्का बोला गया है, विल यूज हुआ है कि द डेथ टोल, क्योंकि विल बहुत, विल होता है कन्विक्शन के लिए, विल वैसे विल और शैल का जो यूज है वो सेम है, अगर आप देखें विल शैल का यूज सेम होता है, पर शैल जो है थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, उसका मतलब सेम है, और विल बहुत ज्यादा कन्विक्शन के लिए होता है कि मतलब पक्का ये होगा ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब डबल अपोस्ट्रॉफी में है, तो दैट टोल विल इंक्रीज बाय टुमारो, कल तक ये इसका, जब ये न्यूज छपी है मतलब आज तक की बात हो रही है, तो तब तक डेथ टोल, जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स, टोल का मतलब नंबर राइट, जो टोल मतलब लिस्टिंग, लिस्टिंग जो है वो बढ़ेगी बाय टुमारो, कल तक थर्सडे तक, एज सेवरल क्रिटिकली, जो बहुत सारे क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा सीवियर, बहुत ही ज्यादा सीरियस कह सकते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में है, इल इल पीपल आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल सीक्रेटली फॉर फियर ऑफ द पुलिस, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जिनकी हालत बहुत खराब है वो अभी भी अस्पताल में है और पुलिस के डर से वहां पे इलाज करा रहे हैं। ठीक है, और मतलब फियर ऑफ सीक्रेटली, चुपचाप करा रहे हैं इलाज पुलिस के डर से।
द प्रोटेस्टिंग विलेजर्स सेड, जो 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 लोग धरना दे रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन गांव वालों ने बोला, कहा, ऐसा बोला उन्होंने, मतलब ये स्टेटमेंट दिया गांव वालों ने, ठीक है। रिपोर्ट सेड सेवरल ऑफ द विक्टिम्स हैड लॉस्ट आईसाइट। रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे, सेवरल मतलब कई सारे पीड़ितों ने अपनी आईसाइट गंवाई बिफोर ब्रीदिंग देयर लास्ट, अपनी लास्ट आखिरी सांस लेने के पहले उन्होंने अपनी आईसाइट खो दी थी, अपनी विजन खो दिया था, अपनी दृष्टि खो दी थी। वाइल अदर्स वर स्ट्रगलिंग, जो दूसरे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कर रहे थे, वर लिखा हुआ है, सो वर यूज होता है, वर यूज होता है ही शी इट के साथ, ही शी और इट, और वॉज यूज होता है आई वी और यू के साथ, ठीक है। सिंगल पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड, सॉरी, सिंगल पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो आई वी यू के साथ वॉज यूज होता है और ही शी इट अदर्स के साथ वर यूज होता है, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि वाइल अदर्स अदर्स वर स्ट्रगलिंग, दूसरे जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी जूझ रहे हैं फॉर लाइफ इन द हॉस्पिटल्स, फोर ऑफ देम हैव बीन रेफर्ड, उनमें से चार लोगों को भेजा गया, रेफर किया गया है टू द पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नाउ 170 डेड दिस ईयर, इसमें से अब ये दूसरी चीज बोल रहे हैं, ये पार्लियामेंट में बोली जा रही है कि 170 लोग इस साल मर चुके हैं। बिहार हैज बीन अ ड्राई स्टेट सिंस अप्रैल 2016 अंडर स्ट्रिंजेंट लॉज, मतलब बिहार जो है 2016 से, अप्रैल 2016 से स्ट्रिंजेंट, बहुत कठिन नियमों की वजह से ड्राई स्टेट का मतलब होता है कि वहां पे दारू नहीं बिक रही है, लेकर नहीं बिक रही है, और ड्राई स्टेट अंडर सिंस मतलब दारू का मतलब अवेलेबिलिटी कम है, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ये ड्राई स्टेट का मतलब है। ड्राई स्टेट का मतलब ये नहीं कि वहां पे सूखा पड़ गया, नहीं, उन्होंने बोला बिहार हैज बिन रही है अ ड्राई स्टेट सिंस अप्रैल 2016 अंडर स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफिशियल। अब आगे की बात समझिए, जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल जो लोग हैं वहाँ के, सरकारी लोगों ने बोला कि ऑफिशियल रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड बोलते हैं, शो दैट अबाउट 170 पीपल डाइड इन बिहार फ्रॉम जनवरी टू नवंबर, जनवरी से लेकर नवंबर तक 170 लोग वहाँ मर चुके हैं दिस ईयर, इस साल, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ स्पीरियस लिकर। द वर्ड इज स्पीरियस का मतलब होता है जाली या नकली, वर्ड इज स्पीरियस। उन्होंने बोला है कि 170 लोग मर चुके हैं जाली लिकर या दारू की वजह से। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ब्लेम द ऑपोजिशन बीजेपी लेजिस्लेचर्स व्हेन दे रेज द इशू इन द असेंबली। उन्होंने, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ब्लेम किया या उनको उसको कर उनको एलिगेशन लगाया या उनको बोला या उनके पास क्वेश्चन उठाया, ब्लेम किया कि आपकी गलती है, ब्लेम द ऑपोजिशन बीजेपी लेजिस्लेचर्स, मतलब जो लेजिस्लेशन मतलब होते हैं जो नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, ठीक है। वर्ड है लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन, और उसी से बना है लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर का मतलब होता है जिनके हाथ में कानून बनाने की शक्ति है, राइट, लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर, ठीक है। आर और सिर्फ आर है या सिर्फ एस है, जो भी। लेजिस्लेटर्स व्हेन दे रेज द इश्यू इन द, जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने, जब ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने बीजेपी के जो 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 मेजोरिटी के लोग हैं, जिनको, जो पार्लियामेंट में हैं और नियम बनाते हैं, उनको इसके लिए ब्लेम किया, उनको उसको उनके लिए उनको बोला कि ये आपकी फॉल्ट है, और इन्होंने इस तरीके से पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया, राइट। सो ब्लेम का मीनिंग होता है किसी को क्वेश्चन उठाना, किसी के ऊपर बर्डन डाल देना, किसी को गिल्टी करार देना, राइट। ब्लेम का मतलब हुआ किसी को आपने गिल्टी करार दे दिया, किसी के ऊपर आपने क्वेश्चन उठा दिया, ब्लेम, कि आपकी फॉल्ट है। ऑलराइट, सो इन दिस आर्टिकल वी हैव अंडरस्टूड मेनी वर्ड्स। पहला है सस्पेक्ट, ओके, संदेह। डिटेरियरेट का मतलब होता है कि खराब स्थिति, बहुत ही मतलब खराब स्थिति, खतरनाक स्थिति, मतलब छिन्न भिन्न, ऐसे मानिए। डिसीज का मतलब दिवंगत। डिस्टर्बेड का मतलब विघ्न पैदा करना। स्लोगन्स मतलब नारे लगाना। किन का मतलब होता है जो उसके रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले। और कन्विक्शन, सॉरी, स्पीरियस का मतलब होता है जाली या नकली। और ब्लेम का मतलब होता है किसी को गिल्टी करा देना, किसी पे क्वेश्चन उठाना कि ये आपकी गलती है। सो दीज वर्ड्स वी हैव डन सो फार। आपने एक चीज और देखी, यहाँ पे यूज हुआ है हैज बिन का, हैज बिन, और दूसरा या हुआ है हैड बिन, राइट।
ये ग्रामर में आप जरूर चेक करिए कि हैज बिन हैड बिन कहाँ यूज होता है, हैज बिन और हैड बिन। हैड बिन तो पास्ट परफेक्ट है, प्रिटी श्योर, हैड बिन वहां यूज होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बिन और हैव बिन का यूज होता है। तो आई वी यू दे के साथ हैव बिन और बाकी ही शी इट अदर सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए हैज बिन का यूज होता है, जिस इस आर्टिकल में यूज किया गया है। आई होप दिस दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ यू नीड फर्दर इफ यू रियली लाइक इट एंड यू नीड फर्दर आर्टिकल्स और वीडियोज लाइक दैट, प्लीज कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।